नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो जो बना रहा हूँ कुछ लेट बना रहा हूँ, और आज है शिव चतुर्दशी, शिवरात्रि का दिन, और यह है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है तांता लगा रहता है, तो सुबह 4 बजे से। तो अभी भक्त लोग पहुँचे हैं कुछ, और थोड़ा लेट हम ही आ रहे हैं। तो दोस्तों आज शिव चतुर्दशी के दिन पहुँचे हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में, और यहाँ भक्त लोगों का देखिए तांता लगा हुआ है, और हमारी चाची भी पहुँच गई है यहाँ पर। चाची नमस्कार, बढ़िया पूजा हो गई है। नमो नारायण महाराज। तो आज हम पहुँच गए हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में, और हमारे यजमान कैलाश जी भी आ गए। जय हो, नमस्कार कैलाश जी, और आनंद हो रहा। तो ये देखिए चाय भी तैयार है, और चाय भी पीते हैं, और अब हम बैठ गए हैं धुना के समीप, और यहाँ पर पहले माला लगाएंगे हमें एक टीका। जय हो महाराज की, हर हर महादेव, जय हो। ये टीका एक लगा लिया तो आनंद आ जाता है, क्यों सर? नमस्कार जी। तो आज हमारे रितेश जी आए हैं, और यहाँ हमारी चाची होगी, और ये है माया उपाध्याय जी। तो आज पहुँचे हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में, तो आज पूजा अर्चना भी होगी इधर, और अभी ये जा रहे हैं बागेश्वर की ओर, नीलेश्वर मंदिर की ओर। तो आज इनका है प्रोग्राम, तो चाची बना के लाई यहाँ पर चाय, तो सभी लोग चाय भी पी रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। तो चाय अच्छी बनी है भी हमारे चाची के द्वारा, चीनी नहीं हुई, बहुत 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 क्या खाओ, चटनी, ये कद्दू साग, भला 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 सब। और आज ले रहे हैं चाची के अकेले, आज तो ताई जी ले रही हूँ, दिखा नहीं रहे, तो मैं लेके आता हूँ, अभी मैं ही लाऊंगा, वो थैला में मेरे पास था अभी, तो देखते हैं उस थैले में है क्या। और देखो यहाँ अंदर भी पहुँचे हुए हैं चंद्रेश्वर में, ताई जी आशीर्वाद से हमको बस। चार बजे उठ गए तो 5:30 बजे से निकले हुए हैं हल्द्वानी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फिर क्या पहले ड्राइवर भैया को लेने लेके गई ना, तब फिर भी बाद आप लोग देखो, ये आनंद आ गया, फिर यहाँ दर्शन हो गए सभी लोगों के। तो सामने मुलाकात भी होगी है फैंस लोगों के, ये तो खुश हो एकदम, आज मुलाकात होते ही खुश हो जाते हैं, क्यों? अच्छा चाची तू भी खड़ी हो जा चाय पीते हुए। सब तो यहाँ बिल्कुल मेकअप वेकअप के आ रहे हैं, हम ऐसे ही आ रहे हैं। नहीं, वो बिना मेकअप के अच्छे लग रहे हैं। जय हो कैलाजी। वो यार लोगो देखो, हमारे वो आए यार गांव के बिरादर लोग, माया उपाध्याय जी पहुंची हुई है। ये माया उपाध्याय जी है, ये हम रितेश जी है। हाँ हाँ, अरे यार हमारे बिरादर है यार सब लोग, तो आज हमारे बिरादर लोग आ गए, तो यहाँ पर आनंद कुछ अलग ही आता है, नहीं आता है? फिर तो आज चंद्रेश्वर पहुँच के आनंद आ गया है, सभी लोग मिल गए हैं, भाई मिल गए हैं, चाची मिल गई, और मैं उपाध्याय जी, भाभी जी हमारी ये भी मिल गई है, तो कैलाश जी भी पहुँच गए यहाँ पर। तो कैलाश जी आनंद आ गया फिर यहाँ पहुँच के चंद्रेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के पावन पर्व पर, कैसा लगा आपको यहाँ पहुँच के? बहुत है भल, और उसी हमारे घर से तो भल के लेने लगा, और बिरादर लोग हो गए ना। चाची चाय भी बना के लाई यहाँ पर गर्मा गर्म। तो सामने आ गए हमारे विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, चंद्रेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। जय हो, नमस्कार, और सुनाइए, और शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। जय हो, बहुत बहुत बधाई आप पर भी बने रहे प्रभु। जय हो, बढ़िया तरीके से चले। जय हो, और आनंद, ये उपाध्याय जी, माया उपाध्याय जी पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, ये हमारे विधायक प्रतिनिधि जी पहुंचे हैं, ये तो कैलाश जी ने यहाँ पर त्रिकुंड जो है घिस दिया है, और अब त्रिकुंड कसा जा रहा है, ये भी अरे त्रिकुंड नूर लगा लो सर, बहुत जरूरी है। आज मैं चौपड़ गांव में सोमेश्वर, और माला गांव हमारे पश्चिम हमारे घर से, तो हमारे ठोल दादी भास्कर दादी वहाँ मिली, और यार यूट्यूब चैनल से भास्कर जोशी नाम है, तो मेरे जतुरे दर्शक छे जो मको बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मिले, मैं आप सब उन्हें मैं गुजारिश करना चाहूँ कि आप हमारे दादी चैनल के लिए भर भर में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यो हमारे ताई जी,
खैर भर में लिए गई अल्लाह जब की सोचो हम थोड़ा दिन लीजिए आ रहे और अगर हम थोड़े दिन रुक चाहिए तो तब तो पता नहीं कहीं जाए तो अब भाभी जी लोग जा रहे हैं बागेश्वर की ओर तो फिर इनसे मुलाकात फिर होगी उस समय बाद तो ठीक है भाई मिलते हैं। अच्छा भाभी जी नमस्कार। तो दोस्तों आज चंदेश्वर मंदिर होके आया और वहाँ माया उपाध्याय जी से भी मुलाकात हुई और हमारे दिनेश जी से होगी मुलाकात और जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी आ रहे हैं भुवन जी अभी तो आगे की ओर चलते हैं और आज समय मिलता है तो सोमेश्वर की ओर भी अभी हम जाएंगे। तो सामने नेताजी आ गए नेताजी के आते ही गाँव में चहल पहल छा जाती है। देखिए पूरी सरकार आ गई हमारी। आइए सरकार आइए मंत्री जी चलिए सर रास्ता आराम से तो देखो कितनी चमक धमक के साथ चल ये इधर को ही चलो आगे तक दिखा के लाते हैं इनको आज गांव दिखा के लाते हैं। तो भुवन जी भी आ गए तो आनंद आ गया। तो दोस्तों अभी हमारी भाभी लोग जा रही हैं चंदेश्वर महादेव मंदिर और सामने देखिए गांव के भी कुछ महिलाएं सोमेश्वर की ओर जाते हुए देखी जा सकती हैं क्योंकि आज जो मेला होता है सोमेश्वर में बड़ा भव्य होता है तो सभी लोग वहाँ की ओर जा रहे हैं और यहाँ मैडम भी हमारी तैयार होगी है मंदिर के लिए और ये बिटिया और वो कहाँ है वर्तिका तो वर्तिका ने पकड़ रखा है अभी फोन उसके हाथ में कुछ देख रही और सामने वर्तिका दिख गई है अभी सामने आजा 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 तो करिए मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी और यहाँ पर हमारा बासु भी अभी सोमेश्वर जाने वाला है उसकी मम्मी ने कुछ कहा कि बेटा तो चले जाना मैं ले जाऊंगा तेरे को। अच्छा दोस्त आ रहे हैं तो आज शुभम खाती का बर्थडे भी है भोले तो आज पार्टी है इनकी ये पार्टी में भी जा रहे हैं अभी और देखिए आज का जो व्यू है बहुत ही लाजवाब व्यू एकदम खुला खुला मौसम तो सामने वर्तिका और वर्तिका के पापा भी जा रहे हैं। अरे जब बासु फिर से टीका लगाओ चंदेश्वर महादेव वाला टीका लगाओ तुमको तो सामने बैजाब जा रहे हैं सोमेश्वर की ओर और हमने बिटिया भी वर्तिका। सो गाइस हम जाने लग गए हैं मेले को आज शिवरात्रि का मेला सोमेश्वर में। मैं लेट हो गया हूँ जरा आज जाने में इसलिए बाइक में जा रहा हूँ। और ये देखिए भोलेनाथ के परम भक्त हमारे जोशी जी और सुनाओ कहाँ घुमाए आज ये चंदेश्वर मंदिर तक फिर शिवरात्रि का महापर्व हुआ आनंद है नीलकंठ की शरण में बहुत सुंदर। और वो कहाँ है धर्मपत्नी वही है फिर ड्यूटी में। सो गाइस यहाँ हो रही है होली की तैयारी अभी महिलाएं आएंगी और यहाँ पर चंदेश्वर मंदिर में करेंगी कुछ होली का आगाज बहुत सुंदर। और हमारे बच्चे यहाँ पर ये देखो लड्डू पेड़े बेटा मैं पूजा कर नहीं मैं ये दिवस पूजा में जा रहे हैं मैं मेले में जा रहा हूँ तो अभी अभी आते हैं। हाँ बेटी ओए खुशी यहाँ पर क्या है दोस्तों रेस के घोड़े आराम फरमा रहे हैं। तो अभी हम सोमेश्वर को जा रहे हैं और देखिए सामने ढोलक को जो बनाने वाले होते हैं कलाकार वो आए हुए हैं और करीब करीब सभी लोग आ जाते हैं जो ढोलक बनाते हैं और हम ये सोमेश्वर के करीब पहुँचने वाले हैं। देखिए ये मेले में जाने वाले लोगों की जो लाइन लगी है कतार है वो देखी जा सकती है। अभी मार्केट में पहुँच के देखना कि कितनी जाने वालों चारों जो हमारे नाले हैं सोमेश्वर ये लोग हो गया मनाम तक हो गया और इधर खरकाल गाँव बागेश्वर वाले लोग और कौशाली वाले लोग से चिंतन होगा सभी लोग यहाँ सोमेश्वर मेले में पहुँचने वाले। तो सोमेश्वर पहुँचते ही हमारे दादा से मुलाकात होगी। बिंदु गुरु दादा नमस्कार। जय सीताराम सीताराम। और ये देखिए हमारे दादा ये तो हमारे खास है सोमेश्वर के। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं सोमेश्वर शिवालय के समीप और यहाँ देखिए बहुत से श्रद्धालु लोग पहुंचे हुए हैं और संत महात्मा भी देखे जा सकते हैं। ये देखिए सोमेश्वर में जो भीड़ रहती है बहुत ही खास और बहुत ही भव्य इसका रूप भी हो गया है सोमेश्वर और शिव जी के मंदिर का
नवीनीकरण चल रहा है। और देखिए श्रद्धालु लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं चारों। अभी हम पहुँच गए सोमेश्वर शिवालय में और देखिए शिव जी के मंदिर में जो चल रहा है आज बहुत ही भव्य समारोह चल रहा है क्योंकि आज शिव रात्रि का पर्व है और यहाँ पर महाराज जी के दर्शन होंगे। नमो नारायण महाराज की जय हो। चचा दर्शन करके आ गए मंदिर के अंदर से। तो दोस्तों अभी सोमेश्वर शिव मंदिर में दर्शन किए और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। तो आज मेले में चहल पहल बनी रहती है बहुत सारी क्योंकि हर गांव हर मतलब जो सोमेश्वर घाटी है हर ओर से लोग यहां आते हैं शिव मंदिर में और यहां पर पूजा अर्चना करते हैं और सोमेश्वर में बहुत ही भव्य मेला भी लगता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कार्यक्रम जो चल रहा है बहुत ही सुंदर। भीमदा की दुकान में भीमदा बना रहे हैं जलेबी बहुत ही सुंदर। सर राम राम, राम राम। और ये है भीमदा की जलेबी बनते हैं बड़ी मस्त फेमस जलेबी आए हैं। तो भीमदा सही चल रहा? जय हो आपकी। आनंद भाई बने भैया बढ़िया भले भाई कृपा हरिया जलेबी आशीर्वाद हो रहा है। वाह वाह वाह। ये देखिए कुरकुरे जलेबी बना रहे हैं भीमदा खास जलेबी बनाते हैं यहाँ पर। तो शिवरात्रि का अवसर हो गया और बहुत से पर्व जो होते हैं होली दीपावली सभी दिन यहाँ मालपुए भी मिलते हैं जलेबी मिलती हैं और सभी चीज़ मिलते हैं। और सामने इनकी दुकान है और ये पहुँच गए हम भीमदा की दुकान में। ये देखो भीमदा की दुकान है हमारी। ये लौकी भी हैं बेर भी आए हैं केले हैं अंगूर सभी चल रहे हैं। सब्जियाँ भी आ गई हैं यहाँ इनकी गार्डन की लग रही मेरे को। भीमदा आपके भाड़े के हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा खेत के हैं ठीक है। तो यहाँ पर साग सब्जी हर प्रकार के सामान मिल जाते हैं कभी भी आओ और ले जाइए यहाँ से। तो भीमदा एकदम कुरकुरे हो गए हैं तैयार? हाँ लाल वो रख दिए हैं। गुड यार ये देखो ये क्या है अभी ये गुड। लाला जी कुछ खास चीज कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्लैक टी भी आ गई है मान ले। बहुत सुंदर यार भीमदा ऐसे खिलाते पिलाते रहिए बहुत सही हो रहा है। कितने साल हो गए? 70 साल से जलेबी बनाते हो आप? दादाजी के समय से ये। और पुराने वोटर भी हलवाई तो मिठाई भी बनाते हो भीमदा कभी कभी? आपको बन जाएगी ठीक है यार भीमदा ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी चंदेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे हैं होलियाँ और महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर होली गाई जा रही है। तो सामने हमारे चाची लोग आ गए हैं मंदिर से। जय हो नमः शिवाय। तो आज शिवरात्रि की हार्दिक बधाई नमस्कार। तो सभी लोगों को एक साथ नमस्कार। और भजन कीर्तन हो ही गए फिर हो ही कही हली तुमूर और नाच गीत नहीं करा? अच्छा और देखो हमारी भाभी जी आ गई। भाभी जी राम राम। तो ये नहीं बोल रहे पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। अच्छा अच्छा दद्दा कहाँ है? स्पेशल यही भाभी। हाँ हाँ अब रुको अभी हमारी ये भी तो स्पेशल भाभी है देखो अल्मोड़े वाली। ओ नमस्कार आओ आओ ये देखो तुम्हारा फोटो बहुत जरूरी है महाराज नहीं तो वो ही नमस्कार हो चाची नमस्कार गुड हो संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अभी मैं अपने बच्चों को सोमेश्वर मेला घुमा के ला गया हूँ। बच्चों कैसा लगा मेला सही बताओ? अच्छा अच्छा लगा ना? और वहाँ खिलाई पिलाई भी की अभी ये आइसक्रीम भी लाए हैं और जूस जेम्स बहुत सी चीजें लाए हैं। दिखा दो ऐसे दिखा दे यार बेटी ना। और सुनो घर कोई बात नहीं घर जाओ दीदी बांटेगी ठीक है दे देगी रुक जाओ एक मिनट। तो बच्चे अभी जिद करने लगे हैं और ये अभी घर जाके बांटेंगे। तो अभी हम जाते हैं चंदेश्वर और चंदेश्वर में थोड़ा सा जो होगा आज शिव जी की होली कही जाए। तो चंदेश्वर में मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर शिव जी की आज जो होली है वहाँ मंदिर में की जाएगी। तो बच्चे जा रहे हैं घर की ओर और मैं जाता हूँ चंदेश्वर मंदिर की ओर। Love.
अल्लाह।